फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एवं कृमि मुक्ति अभियान दुर्ग जिले में 10 अगस्त से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है। दुर्ग जिले में 10 अगस्त से फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एवं कृमि मुक्ति अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर भी ली गई है। तैयारी के पूर्व नगर निगम विलय चिरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अभियान के प्रचार प्रसार करने पोस्टर का विमोचन करते हुए आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सामूहिक दवा सेवन फाइलेरिया से बचाव की सभी आयु के समूह को खाना चाहिए एवं पेट के कृमि को खत्म करने कृमि नाशक दवा सेवन करना चाहिए। फाइलेरिया संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काट से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए DEC दवा खिलाकर रोग से बचाव प्रमुख उद्देश्य है। कृमि से खून की कमी और कुपोषण होता है, जिससे विभिन्न बीमारियों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सभी को सहयोग कर चरोदा सहित दुर्ग जिले एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश को फाइलेरिया एवं कृमि मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि इस अभियान में 288 दल बनाए गए हैं, जिसमें 496 लोगों की सामूहिक दवा सेवन करने ड्यूटी भी लगाई गई। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और नगर निगम चरोदा, व्यवहार न्यायालय चरोदा, सभी बैंकों, डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई 3 में 3 दिनों तक दवा दी जाएगी। वहीं चौथे दिन से 21 अगस्त तक दल घर घर जाकर शेष लोगों को दवा खिलाएंगे। मैं नगर निगम भिलाई चरोदा के समस्त नागरिकों से, भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमारे दुर्ग जिले में फाइलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो NM हैं और मितानिन कार्यकर्ता है, उनके द्वारा फाइलेरिया की दवा वितरण किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि इस फाइलेरिया से बचाव के लिए आप इस दवा का सेवन करें, साथ साथ जो कृमि की दवा है उसका भी सेवन करें। स्वस्थ छत्तीसगढ़ का जो सपना है वो इसी से साकार हो सकता है। तो आप लोग फाइलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिला बनाने के लिए आप लोग तैयार हों और ये जो दवाई है उसको आप लोग खाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले में MDA प्रोग्राम चालू होगा 10 अगस्त से 21 अगस्त तक के। इसके लिए सभी चरोदा के अंतर्गत जितने दल बनाने थे 288 दलों का गठन किया गया है, जिसमें 496 लोगों की नियुक्ति की गई है। पहले 3 दिन 10, 11, 12 तारीख को सभी कार्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में और न्यायालय में, बैंक में, जहां समूह उपस्थित होता है, लोग ड्यूटी करने आते हैं या आगमन की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय मिलता है वहाँ हम बूथ लगाएंगे। वहाँ फाइलेरिया से बचाने के लिए आयु अनुसार हमारा दल उनको गोली खिलाएगा। 15 से ऊपर को 3 गोली, 6 से 14 वाले को 2 गोली और 2 से 5 वाले को 1 गोली देंगे। इसी के साथ साथ कृमि नाशक दवा की भी 1 गोली देंगे। ये गोली पूरी तरीके से सुरक्षित है। फाइलेरिया हाथी पांव के रोकथाम में अपना नियंत्रण में प्रभावशाली कारगर करती है। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। अगर एक बार हो गया तो उसका फिर इलाज नहीं है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी विकलांगता का कारण फाइलेरिया है। इसलिए सबसे अपील है कि 3 दिन बूथ में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आंगनबाड़ी जाते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, वहाँ दल से दवा खा लें। अगर छूट जाएंगे तो 3 दिन के बाद हमारी मितानिन, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाके दवा देंगे। दवा जरूर खाएं फाइलेरिया से बचाने के लिए, ये दवा बहुत कारगर है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को और पूरे छत्तीसगढ़ को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। बहरहाल इस अवसर पर सिटी प्रोग्राम मैनेजर विवेक मिंज, LHV श्रीमती R विश्वास, श्रीमती इदत्ता, श्रीमती वेणु गेवल, देविला चंद्राकर, उषा वर्मा, अनसुईया साहू, यशवंत साहू सहित MIC सदस्य S वेंकट, रमना, मोहन साहू सहित पार्षद ठाकरे जी एवं अन्य उपस्थित रहे। ग्रहण एशिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।